आप लोग कई बार देखते होंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हमेशा आपको समाचारों में दिखाई देती रहती है। कई बार आप सुनते रहते हैं कि वायु की गुणवत्ता इतनी गिर चुकी है कि सांस लेना भी वहाँ एक तरह से बहुत ही समस्या हो रही है सांस लेने में, समझ रहे? तो इसीलिए एक दिल्ली सरकार ने प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है। यह है युद्ध प्रदूषण के विरोध नाम दिया गया है इसका। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी रहेंगे और आपका मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में बेहद स्तर का एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है जिसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम दिया गया है। क्या? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति, कैनॉट प्लेस दिल्ली में एक स्मॉग टावर का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पराली को जलाने से रोकना जैसी मुहिम शामिल है। आप लोगों ने अभी अगर यूपीपीसीएस का पेपर दिया होगा तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे दिल्ली, इसमें दिल्ली था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट भी बन जाता है कई बार, कि अभी हाल ही में प्रदूषण विरोधी एक अभियान शुरू किया गया है, किस सरकार ने किया है, या पूछ लेगा कौन सा, उसका नाम क्या है, तो याद रखना है दिल्ली सरकार ने किया है, युद्ध प्रदूषण के विरोध इसका नाम दिया गया है। इससे दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता का मुकाबला करने में मदद मिलेगी जो सर्दियों के मौसम में और भी अधिक खराब हो जाती है। ये अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है, कई शहरों में आप लोग देखेंगे आप ये समस्या उभर के आ रही है सामने, समझ रहे हैं? वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, ट्री ट्रांसप्लांट प्लांटेशन से तात्पर्य किसी विशेष स्थान से किसी पेड़ को उखाड़ना और उसे दूसरे स्थान पर लगाना है। अभी कल ही मैंने कहीं आर्टिकल एक पढ़ रहा था, उसमें ऐसी कोई तकनीक आई हुई है कि कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा पेड़ हो, उसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह आराम से फिट किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं ये बहुत अच्छी तकनीक है एक तरह, मुझे लगा। इस नीति के तहत किसी भी विकासात्मक परियोजना से प्रभावित होने वाले कम से कम 80% पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्यारोपित पेड़ों की न्यूनतम 80% को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना उन एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी जो सरकार से इस विकासात्मक परियोजना हेतु अनुमति लेंगे। यह प्रत्यारोपण प्रत्येक काटे गए वृक्ष के लिए 10 पौधे लगाने की मौजूदा पितिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होगा। सरकार द्वारा एक समर्पित ट्री प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन सेल का गठन किया जाएगा। इसके लाभ की अगर बात करें, प्रॉफिट क्या होंगे, तो एक मौजूदा पूरी तरह से विकसित पेड़ के विकल्प के रूप में एक नए पौधे को लगाना, मौजूदा पेड़ को काटने से जो प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसका पर्याप्त रूप से मुकाबला नहीं करता है। प्रत्यारोपण से पुराने पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके अलावा कई पुराने पेड़ों का एक प्रतीकात्मक या फिर विरासत मूल्य होता है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। अगर हम सीमाओं की बात करें इसके, तो कम सफलता दर, प्रत्यारोपण एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी सफलता दर लगभग 50% है। कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप प्रत्यारोपण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उस पेड़ को ले जाना, उसमें सभी पेड़ जिंदा रह जाए यानी कि सक्सेस हो जाए, तो इसमें 50% ही एक तरह से सफलता मिली हुई है। और आप भी जानते हैं कि कोई बड़ा पेड़ है, आप समझिए कि उसकी शाखा मतलब उसकी जड़ कई मतलब पूरी तरह से तो आप उसे उखाड़ के नहीं लगा सकते हैं। आप समझिए एक बरगद का पेड़ है, आप समझिए कि उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि बरगद के पेड़ को संभव है, एक बड़ा बरगद है अगर, तो उसे संभव है एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाना। एक प्रत्यारोपित पेड़ की उत्तरजीवीता दर मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, क्योंकि यमुना में बाढ़ की स्थिति में दिल्ली के रिज पर उगने वाले पेड़ों के जीवित रहने की संभावना नहीं है। महंगी की बात करें तो जैसे कीमत ज्यादा है, औसत आकार के पेड़ के प्रत्यारोपण में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है। मैं एक हमेशा आप लोगों से बोलता आया हूं कि जब भी आपका बर्थडे होता है या कोई खुशी का दिन है, उस समय आप लोग एक दो पेड़ लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए कि देखिए आपने पार्टी की, हजारों लाखों रुपए की आप पार्टी कर देते हैं और एक पेड़ अगर आप लगा दें तो शायद वो अच्छे से उगाया, तो आप सोचिए कि आपके बर्थडे की निशानी हमेशा बनी रहेगी।
तो ये काम आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, स्मॉक टावर टावर की बात करें, टावर की, तो एक स्मॉक टावर जो 1 मेगा एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करेगा को दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय की नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले टावर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और मिनीसोटा विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का परिणाम होंगे। नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मॉक टावर का प्रयोग किया गया है। नीदरलैंड के रोटर रोटरडेम में वर्ष 2015 में ऐसा पहला टावर बनाया गया था। तो इसे भी याद रखिए कि सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, नीदरलैंड के रोटरडम में वर्ष 2015 में ऐसा पहला टावर बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायरिंग टावर सियान चीन में स्थित है, इसे भी याद रखिए। टावर प्रदूषित वायु के प्रदूषकों को ऊपर से सोख लेना लेगा और नीचे की तरफ से स्वच्छ वायु छोड़ेगा। ये एक तरह से स्मॉग टावर का काम रहेगा, वायु को शुद्ध करना। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बड़ी मात्रा में प्रदूषित वायु के स्मॉग टावर्स में प्रवाह के कारण ये वायु को स्वच्छ करने में अधिक कुशल नहीं होते। यहां तक कि चीन के पास भी अपनी स्मॉग टावर की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त डेटा है। एक विशेषज्ञ पैनल ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण के संकट से लड़ने के लिए कुल 213 स्मॉग टावर की आवश्यकता होगी, जो बहुत महंगे होंगे क्योंकि प्रत्येक टावर पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आए। आप समझिए, मुझे तो लगता है कि आप समझ सकते हैं कि पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, समझ रहे हैं आप लोग। इससे हम लोगों ने चाहे वायु प्रदूषण हो, फिर चाहे आप लोग पर्यावरण प्रदूषण, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण में आप जल को ले लीजिए, मिट्टी को ले लीजिए, एक तरह से हमारा ही योगदान है इसे। और आप समझिए, आज ये स्थिति जो आप कोरोना महामारी देख रहे हैं, इसी तरह की अब हमेशा आप लोगों को देखते रहेंगे। कई जगह आप देखते हैं कि जहां बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं रहती है, दूर दूर तक नहीं रहती थी, वहां भी आजकल आपको बाढ़ देखने को मिल रही है। जिस मौसम में बरसात की कोई संभावना नहीं रहती थी, उस समय भी आप देख रहे हैं कि बरसात भी हो रही है और बाढ़ भी आ रही है। तो ये परिवर्तन जो हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन में, इसमें हमारा भी सबसे बड़ा योगदान ही है एक तरह से। इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें अगर हम लोग, तो सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक राजधानी में पंजीकृत कुल नए वाहनों में से 1/4 वाहनों के लिए ABS खाता बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को इन वाहनों की खरीद हेतु प्रोत्साहन द्वारा पुराने वाहनों पर मार्जिन लाभ देने, अनुकूल ब्याज पर ऋण देने और सड़क करों में छूट देने आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया है, जो ईवीएस के साथ निजी 4 पहिया वाहनों के बजाय 2 पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहनों और माल वाहक द्वारा वित्तीय स्थापन पर सबसे अधिक जोर देती है। इन कदमों के अलावा सरकार दिल्ली में थर्मल प्लांटों और ईंट भट्टों के साथ साथ आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली से उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। अगर दिल्ली में हम वायु प्रदूषण की बात करें, तो जो WHO है, जिसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, आप जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आपको आपका विश्व स्वास्थ्य संघ दिवस भी मनाया जाता है, और आपके जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाइए देखिए। अगर कोई छूटा हुआ है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, उसे भी कवर कर देंगे, क्योंकि देखता हूं कि हमेशा क्वेश्चन से आते रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो WHO द्वारा संकलित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों से एक है। आप समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति दिल्ली की दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, यानी कि उनमें शामिल है। दिल्ली में पार्टिकुलर कूलेट मैटर PM2.5 यानी कि 2.5, PM10 राष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक है। दिल्ली को PM2.5 यानी कि 2.5 के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु इसकी मात्रा में 65% की कमी करने की आवश्यकता है। कितनी? 65% की। दिल्ली की जहरीली हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च मात्रा भी होती है। हवा की कमी से प्रदूषकों की सांद्रता भी बढ़ती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने
अक्टूबर 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें लगभग 41% वाहनों से, 21.5% धूल से और 18% उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को प्रदूषण हेतु जिम्मेदार ठहराया गया है और वाहनों का उत्सर्जन परीक्षण केवल 25% है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी का योगदान बता रहा है। WHO के अनुसार भारत सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा, टोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करता है। आखिर किस कारण से ये है कि दिल्ली की वायु या हमारे कहीं भी आप देखते हैं मतलब जो समस्या है किस कारण होती है अधिकतर? तो दिल्ली की अगर बिगड़ती वायु गुणवत्ता की बात करें तो पराली जलाना। आप जानते होंगे कि जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि उसमें फसल को काटने के बाद वो जो ठूंठे बचते हैं उसके एक तरह से उसे आप लोग जला देते हैं। मेरा मानना है ऐसा, कई जगह मैंने देखा भी है, आप लोगों को बताया भी है, पंजाब हरियाणा में इस तरह की व्यवस्था कई जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक और सॉल्यूशन है इसका, जैसे ही आप फसल काटते हैं कई मशीनें आ रही हैं आपके पास, आप क्या करेंगे कि उसे उस पर चलवा देंगे, फसल कटने के 2-3 दिन बाद ही ये कर सकते हैं, तो ये भूसा में बदल देगा। किसमें? भूसा में बदल देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद आप जुताई कर दीजिए खेत की, क्या करेंगे, जैसे ही जुताई करेंगे तो वो जो भूसा होगा वो नीचे पहुंच जाएगा और जैसे ही वर्षा होगी तो वो सड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, खाद में बदल जाएगा, खाद में, समझ रहे हैं, ये देसी खाद एक तरह से आपकी फसल को भी एक तरह से अधिक उत्पादन करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि पारंपरिक खेती हो गई, तो इसलिए हम लोगों को भी, और याद रखिए जलाने से आपकी जो मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो आपके एक तरह से आपकी फसल के लिए लाभदायक होते हैं वो भी मारे जाते हैं, जैसे केंचुआ। केंचुए को तो आप लोग किसानों का मित्र भी कहते हैं ना, तो उसका भी जान चली जाती है, ऐसे फसल की जो भी उत्पादन क्षमता होती है वो गिरती है। तो कम ही किया करिएगा। वाहनों से उत्सर्जन, मौसम, उच्च जनसंख्या घनत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, निर्माण गतिविधियों और खुले में कचरा जलाना, थर्मल पावर प्लांट और उद्योग, पटाखे, डीजल जनरेटर और खाड़ी देशों से धूल का तूफान। आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप किसी शहर के बाहरी इलाके में देखिए, आप लोग जो एक तरह से कचड़ा वचड़ा होता है वहां डाल दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, बड़े बड़े पहाड़ तरह की, आप समझ रहे हैं, पहाड़ जैसे कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसमें आग लगा दी जाती है, कितना वायु प्रदूषण होता है। वहां आप जाते हैं तो सांस लेना भी एक तरह से मुश्किल होती है बहुत। आगे की राय क्या हो सकती है? तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का दीर्घकालिक समाधान परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को समाप्त करने पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा। वाहनों के उत्सर्जन का मुकाबला करने के लिए उत्सर्जन मानक, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कदम उठाना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली में बस बेड़े को बढ़ाने और इसे मेट्रो नेटवर्क के साथ संरेखित करने के कार्य को पूरा करना चाहिए। केंद्रीय और राज्य और स्थानीय सरकारों में समन्वय और पारदर्शिता से तकनीकी समाधानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध डेटा का उपयोग करने हेतु करके प्रदूषण और स्वास्थ्य पर संदेश साझा करने के लिए नागरिक भागीदारी और मीडिया महत्वपूर्ण है। COVID-19 महामारी परिदृश्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां COVID-19 से प्रभावित लोगों की स्थिति को और खराब कर सकती हैं। तो ये पूरा था एक तरह से वायु प्रदूषण या प्रदूषण को लेकर आपका एक आर्टिकल, ठीक है। इसमें जो भी पॉइंट है उन्हें याद रखिए। आपकी प्रीलिम्स कहने का मतलब होता है उसमें आपके वन डे एग्जाम भी आ जाते हैं, उसमें आपका UPPCS, MPPSC, BPSC या कोई भी आपका UPSC सिविल सर्विस, और मेंस का मतलब होता है आप समझते हैं कि आंसर राइटिंग, जहां भी लिखने के लिए आंसर आता है, ठीक है।